हमारा सबकॉन्शियस माइंड अविश्वसनीय रूप से इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी को प्रभावशाली रूप से बदल सकता है। ये आपको हर उस इच्छा को मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है जो भी आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना आना चाहिए। वैसे तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो इतना ज़्यादा आसान और शक्तिशाली तरीका है कि आप केवल कुछ ही दिनों के अंदर अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपनी किसी भी इच्छा को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऑटो सजेशन वो तरीका है जिसकी मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑटो सजेशन क्या होता है, ऑटो सजेशन कैसे काम करता है, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया समझाने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत आसान तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऑटो सजेशन क्या होता है। ऑटो सजेशन को सेल्फ सजेशन भी कहते हैं। ये साइकोलॉजी से संबंधित एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से जब हम किसी खास तरीके से खुद को कोई सजेशन यानी सुझाव देते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे कमांड यानी एक आज्ञा की तरह मानता है, जिससे हमारे दिमाग में नए परसेप्शंस यानी धारणाएं बनने लगती हैं और बार बार ऐसा करने से हमें इसका अनुभव होने लगता है। पॉजिटिव एफर्मेशंस ऑटो सजेशन प्रैक्टिस करने का एक तरीका है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। हमारी ज़िंदगी के किसी भी एक्सपीरियंस के दौरान जैसी फीलिंग्स और इमोशंस हम महसूस करते हैं उसके साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक मीनिंग यानी मतलब जोड़ लेता है और उसे हमेशा के लिए याद रख लेता है। फिर उस मेमोरी को एक रेफरेंस की तरह लेकर हमें उस एक्सपीरियंस को महसूस करने से रोकता है या फिर उसे महसूस करने का बढ़ावा देता है। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी नेगेटिव फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है और अगली बार कुछ बुरा होने से पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस एक्सपीरियंस को अनुभव करने से रोकता है। उसी तरह से जब आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स को रिकॉर्ड कर लेता है और आपको ऐसे एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए उत्साहित करता है ताकि आप और पॉजिटिव महसूस करें। इसका मतलब आपके दिमाग में थॉट्स और फीलिंग्स रैंडमली यानी ऐसे ही नहीं आते, बल्कि आपके दिमाग में आने वाले हर एक थॉट और इमोशन को महसूस करने के पीछे आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस यानी अतीत का कोई अनुभव होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह का बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स यानी आपके दिमाग में बैठे विचारों को बदलना होगा, जिसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ कॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस यानी सचेत निर्देश देने होंगे। और जो कुछ भी आप अपने कॉन्शियस माइंड से सही तरीके से कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर आज्ञा का पालन करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स और इमोशंस की भाषा को समझता है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी कही हुई बातों में फीलिंग्स और इमोशंस को जोड़ना होगा, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में नए विचारों का निर्माण कर सकते हैं, नई धारणाओं को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं और अपने नज़रिए को बदल सकते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से केवल कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको सोचना है कि आप अपनी किस इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा पैसा कमाना, शरीर को बीमारियों से मुक्त करना, किसी खास रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, या फिर आप खुद के बारे में एक ऐसी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बना सकते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। एक बार जब आपको पता चल जाए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं तो अगले स्टेप में आपको 10 रीजंस यानी 10 कारण लिखने हैं कि जो आप पाना चाहते हैं अगर आपने उसे हासिल कर लिया तो आपकी ज़िंदगी को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। और आपको 10 कारण लिखने हैं कि अगर आप अपनी उस इच्छा को हासिल नहीं कर पाए तो आपकी ज़िंदगी को किस तरह का नुकसान झेलना पड़ सकता है।
वैसे तो किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के दौरान हमें कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी खास प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपनी इच्छा को हासिल करने और ना हासिल करने की स्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कुछ मीनिंग यानी कुछ मतलब और ऐसी फीलिंग्स और इमोशंस को महसूस कराने की कोशिश करते हैं जिससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता चल सके कि हमारी इच्छा से संबंधित किस तरह के रिस्क यानी जोखिम और रिवॉर्ड्स यानी इनाम जुड़े हुए हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हमेशा ऐसे काम करने के लिए उत्साहित करता है जिससे आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे प्रोफेशनल हिप्नोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान दिन भर में 35,000 फैसले लेता है। हालांकि कुछ फैसले सोच समझकर और जानबूझकर लिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर फैसले आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी के हर एक पहलू पर खास प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ऑटो सजेशन की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आप अपने दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक डिसीजंस का निर्माण करते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। जब आप फैसला लेने के साथ साथ एक्शन भी लेते हैं यानी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करते हैं, तब आपको वही रिजल्ट मिलते हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जैसा आसान और साइकोलॉजिकल तरीका हमारे फैसलों को बदलने और सुधार लाने में इसीलिए इतने कारगर तरीके से काम करता है क्योंकि जब हम उन 10 कारणों को लिखते हैं कि हमें अपनी इच्छा को क्यों हासिल करना चाहिए और इच्छा को ना हासिल करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, तब हमारा ध्यान अपनी इच्छा के हर एक पहलू पर होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता कि हमें कोई नुकसान हो। इसीलिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अपनी इच्छा को हासिल करने के तरीके बताने लगता है। अगले स्टेप में आपको उन 20 कारणों को हर दिन जोर से दिन में 3 बार पढ़ना है ताकि वो सारे कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ जाएं। 3 दिन के बाद आपको उन 10 नेगेटिव रीजंस को बोलना बंद कर देना है और आपका फोकस केवल उन 10 पॉजिटिव रीजंस पर होना चाहिए। आप चाहें तो 3 दिन से पहले या 3 दिन के बाद भी उन 10 नेगेटिव रीजंस को बोलना बंद कर सकते हैं। और जब आप हर दिन केवल पॉजिटिव रीजंस पर फोकस करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार रिप्रोग्राम होने लगता है और आप अपनी इच्छा के अलाइनमेंट में आने लगते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे नए डिसीजंस लेने लगते हैं जिससे आपका व्यवहार बदलता है और आप ऐसे एक्शंस लेना शुरू कर देते हैं जिससे आपकी इच्छा जल्दी मैनिफेस्ट होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।